The internet is full of bro science, fake knowledge, half information or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. Right, namaskar, aadab, sat sri akal, main hu Dr. Paramjeet, aap dekh rahe hain Dr. Education. और अगर आप नए आए हैं तो हम आपको समझाते हैं यहाँ पर मेडिकल लैंग्वेज को सिंप्लीफाई करके मेडिकल प्रोसीजर्स, बीमारियाँ और उन सब के कारण, उसके पीछे का बैकग्राउंड सारा कुछ क्लियर करते हैं, आपको हेल्थ लिटरेट बनाने की कोशिश करते हैं। आज हम आपको बताएंगे एंडोस्कोपी क्या होता है। जी हाँ, आपको वर्ड सुन के अजीब लगेगा ये क्या चीज़ है एंडोस्कोपी, भी हमें क्या लेना देना। आपको लेना देना इसलिए है क्योंकि भैया ऐसा है, दुनिया में एंडोस्कोपी एक ऐसा तरीका है जिससे आपके शरीर में हो रही बीमारी को बिना चीरफाड़ करे, बिना किसी गड़बड़ी के हम डायरेक्ट विजुअलाइज कर सकते हैं। जी हाँ, हम डायरेक्ट आपके शरीर के अंदर झांक के देख सकते हैं, शरीर के कई हिस्सों में, टेक्निकली 11-12 हिस्सों में हम देख सकते हैं। अलग अलग तरीके की एंडोस्कोपीज होती हैं एंड वील बी टॉकिंग अबाउट कि एंडोस्कोपी क्या क्या करती हैं, क्या 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 किस किस कारण से करा सकते हैं, राइट। चाहे वो आपका जॉइंट हो, जी हाँ जॉइंट हो, चाहे वो आपका नाक हो, चाहे वो आपका पेट हो, चाहे वो आपका पेशाब की रास्ता हो, चाहे वो आपका वजाइनल यूट्रस या ऐसी कोई भी जगह हो, इनकी एंडोस्कोपी हो सकती है। इसी चीज़ों की हम बातचीत करेंगे आज। और चाहे वो आपके फेफड़े हो, हाँ जी बहुत सारी बीमारियों की एंडोस्कोपी होती है एंड वी कैन सी इनसाइड कि क्या प्रॉब्लम है एंड समटाइम्स वी कैन क्योर डिजीजेज, साथ ही साथ बीमारी ठीक कर सकते हैं, साथ ही साथ टेस्ट कर सकते हैं। सो अलॉट ऑफ थिंग्स कैन बी यूज्ड, अलॉट ऑफ बेनिफिशियल थिंग्स कैन बी डन थ्रू एंडोस्कोपी। सो आइए बात करते हैं आज एंडोस्कोपी के बारे में और उसके बारे में समझने की कोशिश करते हैं, बिकॉज खुद न खास्ता आज नहीं तो कल आपको या आपके किसी जाने वाले को एंडोस्कोपी की जरूरत पड़ सकती है। ओके, सो आपको नॉलेज होना चाहिए। सो एंडोस्कोपी इज अ प्रोसीजर जिसमें के एक स्पेशलाइज्ड इंस्ट्रूमेंट यूज होता है जिससे के आपके इंटरनल ऑर्गन्स को या ब्लड वेसल्स को या ऑर्गन के अंदर ब्लड वेसल्स को या तो देखा जा सकता है या उस पर ऑपरेट भी किया जा सकता है। ये सर्जन्स करते हैं ज्यादातर और ये अलाउ करता है उनको बिना किसी बड़े चीर फाड़ के आपके पेट, आपके ऑर्गन्स के अंदर देखने के लिए। इसमें होता क्या है, एक एंडोस्कोप नाम का छोटा सा इंस्ट्रूमेंट होता है और ये अलग अलग प्रकार का होता है। बॉडी के कई सारे हिस्सों में एंडोस्कोप डाला जा सकता है और उसी के हिस्सों के हिसाब से एंडोस्कोप का साइज और शेप बनाया जाता है। एंडोस्कोप जो है, छोटी सी अगर शरीर में कहीं पर ओपनिंग है तो ओपनिंग जैसे मुँह है, नाक है, नीचे एनस है, वहाँ से डाला जाता है, या फिर आपका कोई कभी कभी पेट में देखने के लिए छोटी सी ओपनिंग बनाई जाती है कट मार के, उस ओपनिंग के थ्रू एंडोस्कोप एक फ्लेक्सिबल सी ट्यूब डाली जाती है जिसको हम गाइड कर सकते हैं, मुंडी हिला सकते हैं उसकी, सामने टॉर्च और दूरबीन होती है, मतलब आपका कैमरा होता है। सो क्यों करेंगे ऐसा, काहे करेंगे, क्या फ़ायदा, वो समझना बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर ताकि अंदर देख सके बिना किसी चीरफाड़ के और बीमारी पहचान सके। टिपिकली ये तब यूज होती हैं जब कोई एबनॉर्मल सिम्टम होता है और हमें ये डाउट है कि वहाँ पर कोई टिश्यू है जो गड़बड़ कर रहा है, चाहे वो नाक के अंदर एक बड़ा सा कोई गांठ हो, प्रॉलिप हो, या फिर हमें लग रहा है कि पेट के अंदर कोई बड़ी चीज़ है या फूड पाइप में कोई प्रॉब्लम है या फिर कहीं कोई ऐसा इशू हो, या हमें लग रहा है कि कोई गांठ है जो एक्सरे या सीटी स्कैन में दिख रही है, उसका कोई सैंपल लेना है, उसका एक हिस्सा लेना है, या फिर पूरा का पूरी गांठ निकाल के काट के निकालनी है, समथिंग लाइक दैट, या फिर ऐसा लग रहा है पेट में अल्सर है, छाले हैं, उसको देखना है कितने गहरे अल्सर हैं, गॉल स्टोन है, गॉल स्टोन को देखना हो या रिमूव करना हो, ट्यूमर है, पॉलिप है, वो देखना हो, ये सारी, गॉल ब्लैडर में भी एंडोस्कोप डाला जा सकता है। जी हाँ, सो एंडोस्कोप ये बहुत सारे टाइप के होते हैं। एंडोस्कोप गॉल ब्लैडर में मुंह से जाएगा, नीचे जाएगा, वहां से गॉल ब्लैडर के पाइप में जाएगा ऐसे, और ये डायरेक्शंस हम दे सकते हैं, राइट। अनकंफर्टेबल फील हो सकता है मगर बहुत पेनफुल नहीं होता ये प्रोसीजर, कोई बेहोशी नहीं करते। मगर आप अगर बहुत ज्यादा कॉन्शियस हैं, बहुत ज्यादा एंजाइटी हैं, तो एंजायोलिटिक्स या थोड़े बहुत सेडेटिव आपको दे सकते हैं कि आप रिलैक्स करें, ऑलराइट। उसके अलावा ये जो बीमारियां, किन बीमारियों में एंडोस्कोपी की जाती है, अगर हमें डाउट है आपको
इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम है यानी अल्सरेटिव कोलाइटिस टाइप्स या फिर इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज, क्रॉन्स डिजीज, स्टमक में अल्सर, क्रोनिक पैन यू नो कॉन्स्टिपेशन बहुत ज़्यादा है क्रोनिकली लंबे समय से, पैनक्रियाटाइटिस है, सीधा यहाँ दर्द होता है, गॉल स्टोन है, राइट साइड में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, अल्ट्रासाउंड में गॉल स्टोन दिखे हैं, या फिर मान लो खून बह रहा है आपके आपके इंटेस्टाइन से, इंटरडाइजेस्टिव ट्रैक से अनएक्सप्लेन्ड ब्लीडिंग हो रही है, पता नहीं कहाँ से हो रही है, तो अनएक्सप्लेन्ड ब्लीडिंग को एंडोस्कोपी करके वहाँ पे देखा भी जा सकता है, रोका भी जा सकता है, कॉटरी भी की जा सकती है, ईवीएल क्लिपिंग भी की जा सकती है, ट्यूमर्स व्यूमर्स का डाउट हो रहा है तो किया जा सकता है, कभी कभी इन्फेक्शंस के लिए भी किया जाता है, एच पायलोरी का इन्फेक्शन है नहीं है देखने के लिए, स्टमक में ब्लॉकेज है अगर इसोफेगस का, उसको देखने उसको खोलने उसके लिए किया जा सकता है, GERD गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज तो नहीं है, हायाटस हर्निया गैस्ट्रिक हर्निया मतलब वो तो नहीं है कि स्टमक का पार्ट एक ऊपर आया हुआ है, या फिर कभी कभी फीमेल पार्ट्स में यूरिन में ब्लीडिंग हो रही है, अनयूजुअल वेजाइनल ब्लीडिंग हो रही है, प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही है, कुछ ऐसे कारणों से नीचे वाली एंडोस्कोपी या नीचे से कोलोनोस्कोपी एनस से कोलोनोस्कोपी भी की जा सकती है। सो डॉक्टर डिसाइड करेगा आपके सिम्टम्स, आपके फिजिकल एग्जामिनेशन और कुछ ब्लड टेस्ट और एक्सरे या सीटी स्कैन एमआरआई के बेसिस पे कि आपको एंडोस्कोपी से फायदा होगा कि नहीं होगा और एंडोस्कोपी का ऑब्जेक्टिव क्या है, ये डायग्नोसिस है, जाँच है या ट्रीटमेंट है या क्या है, उसके लिए फिर आपको प्रिपेयर किया जाएगा। याद रखिए जब भी एंडोस्कोपी होती है तो ऑब्जेक्टिव इस कि जो भी जहाँ पे भी हम जा रहे हैं वो एरिया खाली हो, राइट, नाक है, मुंह है, पेट है, इंटेस्टाइन है, वो खाली हो, तो फिर खाना वाना नहीं दिया जाता, पेट के केस में नाक साफ किया जाता, वो सारी चीज़ें आपको ध्यान देनी पड़ती है, राइट, दोज आर द थिंग्स विच आर द प्रिपरेशंस। और कोई एंटी एलर्जिक मेडिकेशन या कोई ऐसी एंटी प्लेटलेट खून पैतला करने वाली दवा ले रहे हो तो वो बंद करनी पड़ती है, बिकॉज कुछ भी बोलो पाइप डाल रहे हैं तो चोट लगने का रिस्क होता है, ब्लीडिंग होने का रिस्क होता है, होगा जरूरी नहीं है लेकिन रिस्क होता है, सो अंडरस्टैंड दैट। सो व्हाट आर द टाइप्स ऑफ एंडोस्कोपी, ऐसी कौन कौन सी जगह है जहाँ पे एंडोस्कोप नामक एक छोटा सा दूरबीन यानी कि एक डाल के कैमरा डाल के देख सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट आपको ए टू जेड बताते हैं। ए फॉर आर्थ्रोस्कोपी, आर्थ्रोस्कोपी मींस जॉइंट, आपके जॉइंट में आपके ऑर्थोपेडिक डॉक्टर जॉइंट के अंदर एक एंडोस्कोपी डाल सकते हैं छोटे से कट से और जॉइंट को एग्जामिन कर सकते हैं कि जॉइंट में कहाँ प्रॉब्लम है। मान लो आपका जॉइंट में लिगामेंटल टीयर है, मिनिस्कस विनिस्कस, वो भी देखा जा सकता है, जॉइंट में इंजेक्शंस दिए जा सकते हैं जॉइंट में और भी कुछ छोटे मोटे प्रोसीजर्स किए जा सकते हैं। ये हुआ जॉइंट के एंडोस्कोपी को बोलते हैं आर्थ्रोस्कोपी। ऐसे ही अगर लंग में चले जाएं तो उसको बोलते हैं ब्रोंकोस्कोपी, बिकॉज लंग में जो पाइपलाइन है उसको ब्रोंकस बोलते हैं। ब्रोंकोस्कोपी आपके नाक से या माउथ से जाती है और उसको करते हैं या आपके पल्मोनोलॉजिस्ट या थोरासिक सर्जन। उसके लिए फिर लंग में आपको ब्रोंकोस्कोपी के लिए करके वहाँ से सैंपल लिया जा सकता है, वहाँ पे आपका अगर मान लीजिए क्लॉट है, क्लॉट निकाला जा सकता है, लवाज किया जा सकता है, काइंड ऑफ अ थिंग। फिर हमने कोलोनोस्कोपी आपको लास्ट टाइम एक बार बताई थी, कोलोनोस्कोपी आपके एनस से ऊपर डालते हैं थ्रू दी एनस, वो करते हैं गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट या प्रोक्टोलॉजिस्ट भी बोल सकते हैं। उसके बाद सिस्टोस्कोपी, यूरिनरी ब्लैडर में अगर हम जा रहे हैं आपके यूरिथ्रा से जहाँ से यूरिन आता है वहाँ से अगर दूरबीन डाल के पेशाब की थैली में जा रहे हैं उसको बोलते हैं सिस्टोस्कोपी, ब्लैडर सिस्टोस्कोपी कौन करता है, यूरोलॉजिस्ट। उसके बाद होता है एंटरोस्कोपी, एंटरोस्कोपी मीन्स स्मॉल इंटेस्टाइन, ये दोनों तरफ से जा सकते हैं मुंह से भी एनस से भी, जी हाँ एनस से अंदर तक मुंह से नीचे तक एंटरोस्कोपी गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट करते हैं। फिर अगर हम वजाइना में जाते हैं और यूट्रस को देखते हैं उसको कहते हैं हिस्टरोस्कोपी, यूट्रस हिस्टरोस्कोपी, उसको कौन देखेगा, गायनेकोलॉजिस्ट देखेंगे। क्यों देखेंगे भाई, उसमें कोई गांठ है, कोई ऐसे फाइब्रस तो नहीं बने हैं, जो भी है उसके ट्रीटमेंट के लिए कि प्रेगनेंसी क्यों नहीं हो पा रही है, जो भी आपको आपके पीरियड्स के रिगार्डिंग इश्यू है वो क्यों है। फिर आपके गले में लैरिंग्स है, लैरिंगोस्कोपी होती है जो ENT के डॉक्टर करते हैं। ENT के डॉक्टर लैरिंगोस्कोप छोटा सा होता है, इतना सा वो डाल के देख सकते हैं अंदर तक, लैरिंगोस्कोप बोलते हैं, लैरिंगोस्कोपी मुंह से डालते हैं, कभी कभी नाक से भी डाल सकते हैं। उसके बाद देर इज समथिंग कॉल्ड एज मीडियास्टिनोस्कोपी, मीडियास्टिनम इज द ये हिस्सा जहाँ पर आपके लंग्स और हार्ट है, उस चीज़ को हम अगर उसमें लंग्स के बीच वाले पार्ट, लंग्स के सेंटर में वहाँ पर छेद करके डालना पड़ता है, मीडियास्टिनोस्कोपी, ये थोरैसिक सर्जन करते हैं। सिग्मोइडोस्कोपी अगेन कोलोन का एक पार्ट है जो हम नीचे से कर सकते हैं, नीचे से जाते हैं सिग्मोइडोस्कोपी कोलोन के और ऊपर, कोलोन से नीचे मतलब कोलोन से नीचे सिग्मोइडल और फिर वो एरेक्टम और एनस आता है, दैट्स द थिंग।
फिर थोरैकोस्कोपी होती है जिसको प्लूरोस्कोपी बोलते हैं, उसमें लंग के बाहर जो एरिया है उसको देख सकते हैं, लंग के अंदर जो होता है मीडियास्टिनम, यहाँ होता है थोरैकोस्कोपी, ये सारे जो है छेद करके जाया जाएगा। और एक होता है अपर जीआई एंडोस्कोपी जिसमें वो मुंह से जाते हैं फूड पाइप और पूरा स्टमक देख सकते हैं, नीचे स्टमक के नीचे भी जा सकते हैं और आपके किडनी तक भी जा सकते हैं, ब्लैडर से किडनी तक भी जा सकते हैं, उसको कहते हैं यूरेट्रोस्कोपी, यूरोलॉजिस्ट करते हैं। तो ये सारे होते हैं प्रकार एंडोस्कोपी के। इसके अलावा एक और खतरनाक चीज़ है जिसको बोलते हैं कैप्सूल एंडोस्कोपी। जी हाँ, उसमें आपको कोई कोई पाइप वाइप नहीं डाला जाता है, एक गोली कैप्सूल खिलाई जाती है जिसके अंदर एक कैमरा होता है। तो कैप्सूल आप लेते हो, वो खाने की फूड पाइप से लेके सारी अतड़ियों से होके एनस से होके निकल जाता है और वहाँ से जब निकलता है तो उसमें रिकॉर्डेड सारा का सारा प्रासवे रिकॉर्ड हो जाता है, पूरा रिकॉर्ड हो जाता है चारों तरफ की इमेज। वो एक कैप्सूल एंडोस्कोपी रेवोल्यूशनरी टेक्निक है क्योंकि एक इंटेस्टाइन का इतना छोटा सा पार्ट होता है जो किसी भी प्रकार के एंडोस्कोपी में नहीं दिखता, इसमें दिखता है। सो दैट्स द थिंग। उसके अलावा ERCP एंडोस्कोपिक रेट्रोग्रेड कोलेंजियो पेनक्रियाटोग्राफी जो कि आपके गॉल ब्लैडर के अंदर गॉल ब्लैडर के पाथवे में देखने के लिए यूज होती है, उसमें फूड पाइप से जाके गॉल ब्लैडर की ओपनिंग में पाइप डाला जाता है, ये होता है। उसके बाद में देर आर सम मोर थिंग्स लाइक एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड, एंडोस्कोप के थ्रू ही अल्ट्रासाउंड कर लिया तो एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड ये खून की नसों में काम आता है, खून की नसों में देख सकते हैं कि वहाँ कितना डैमेज हो रहा है, वेस्कुलर काइंड ऑफ भी होता है। एंडोस्कोपिक म्यूकोसल रिसेक्शन हो सकता है, ऑपरेशन किया जा सकता है। क्रोमो एंडोस्कोपी हो सकती है जिसमें के स्टेन या डाई यूज की जा सकती है जिसमें अगेन विजुअलाइजेशन बढ़ जाता है। और नैरो बैंड इमेजिंग नाम की चीज़ भी होती है जिसमें भी कॉन्ट्रास्ट यूज किया जाता है खून की नसें और म्यूकोसल वेसल्स को देखने के लिए डाइजेस्टिव ट्रैक में। याद रखिए इसमें थोड़ा सा रिस्क होता है, क्या एक तो ब्लीडिंग का रिस्क होता है, कभी कभार डैमेज हो जाए आपके जहाँ पे भी जा रहे हैं, परफोरेशन हो जाए, इन्फेक्शन हो जाए, तो करने वाले के एक्सपर्टीज में होता है, तो हमेशा एक अपने उस पर्टिकुलर एक्सपर्ट से ही कराया करो जिससे बनता है। उसके अलावा ब्लीडिंग होती है तो आपको डार्क स्टूल आएंगे, वॉमिटिंग हो सकती है, थोड़ा बहुत रिगर्जिटेशन हो सकता है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखें, एंडोस्कोपी काम की चीज़ होती है, ज़रूरत है तो कराइए, नहीं ज़रूरत तो मत कराइए। टॉक टू योर डॉक्टर एंड आई होप यू अंडरस्टूड एंडोस्कोपी क्या होती है और आपके कब काम आ सकती है, किसके काम आ सकती है। होपफुली आप उन सब लोगों को शेयर करेंगे जिनके ये काम आ सकती है, किसी के भी आ सकती है, सबको शेयर कर दो और लाइक सब्सक्राइब एंड सी यू नेक्स्ट टाइम। थैंक यू सो मच, स्टे कनेक्टेड, स्टे हेल्दी।